गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास आज करेंगे मे एंड माइट का यूज ऑफ मे एंड माइट। मे इज यूज टू डिनोट परमिशन, अनुमति के लिए इसको यूज किया जाता है। यू मे गो नाउ, इसलिए परमिशन इसमें दी गई है कि आप तुम जा सकते हो, पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। अधिकतर ये आता है जैसे मतलब प्रकृति के लिए, इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है, इस तरह की मे पॉसिबिलिटी के लिए आता है, या फिर किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे हिज स्टेटमेंट मे बी ट्रू, उसकी स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। विश के लिए, विश के लिए ज्यादातर यूज होता है बहुत ज्यादा ये, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे आवर कंट्री प्रोस्पर, तो ये विश के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है मे। और पर्पज के लिए वी ईट दैट वी मे लिव, जैसे पर्पज है इसमें, हम खाते हैं ताकि हम ये जीवित रह सके, तो इस तरह का बहुत ज्यादा इसमें आता है मे के लिए, इस तरह का। और ये वाला वाक्य ज्यादा यूज होता है मे के लिए। माइट इज यूज टू डिनोट द पास्ट ऑफ मे, एक तो मे माइट किससे यूज होता है, मे के पास्ट के रूप में, ठीक है बेटा, मे के पास्ट के रूप में माइट का यूज करते हैं। जैसे कि ही सेड दैट आई माइट गो, उसने कहा कि मैं अब जाऊंगा, तो वो जाएगा, तो मतलब इसकी पॉसिबिलिटी पास्ट में, यहाँ पे पास्ट में और यहाँ पे भी माइट पास्ट में है, तो मे के पास्ट के रूप में। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए, ही माइट पास दिस ईयर, इसमें संभावना है, तो इसमें भी माइट का यूज हुआ है। परमिशन के लिए भी माइट का यूज करते हैं, माइट आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो ये परमिशन के लिए भी कभी कभी हम इसे माइट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज